हेलो बॉबी। ओह डियर, चलो तुम्हारा पुराना बम्पर बदलते हैं। ठीक है मैकेनिकल्स, क्या तुम लोग बम्पर निकाल सकते हो? बहुत सावधानी से। ओह संभल के सावधान मैकेनिकल्स, हमें एक साथ करना है। थैंक्स ग्रीन। ओह डियर मैकेनिकल्स, तुम्हें अब इसकी मरम्मत खुद करनी होगी। ग्रीन, थैंक्स ग्रीन। मैकेनिकल्स, तुम्हें एक साथ करना होगा। अच्छा काम किया मैकेनिकल्स, देखा एक छोटी सी टीम कैसे काम करती है। बॉबी अब तुम ठीक हो? नाइस कैच ग्रीन। हेलो दोस्तों, गेकोस गैरेज में आपका स्वागत है। आज काफी कीचड़ है तो हम अपना कार वॉश रेडी कर रहे हैं। वो देखो, बेबी ट्रक आ रहा है साफ होने के लिए। हेलो बेबी ट्रक, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। स्प्लेश स्प्लैश एंड स्प्लॉश, चालू करो गेकोस कार वॉश। ये तो सही नहीं है, तुम अभी भी कीचड़ से भरे हो। ओ अच्छा, हमने इसमें साबुन डाला ही नहीं। बिना साबुन के चमकती हुई सफाई नहीं मिल सकती। अब साबुन ऊपर तक भर चुका है, अब सारी मिट्टी धुल जाएगी। अजीब बात है, रोलर से तो धुलाई अच्छे से हो जानी चाहिए थी। आहा, अब समझ आया, बेबी ट्रक इतना छोटा है कि रोलर्स उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हुरे! कार वॉश ने काम कर दिया और बेबी ट्रक बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय। हेलो दोस्तों, आज ग्रीन का बर्थडे है और हम एक बीच पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। आराम से, ये हीलियम के बलून्स हैं, इसलिए ये उड़ते हैं। सब कुछ तैयार है, हम बस फियोना फायर ट्रक का इंतजार कर रहे हैं केक लाने के लिए। ध्यान से फियोना, आगे मत आओ, आगे गीली रेत है। जल्दी करो, हाई टाइड आ रहा है।
हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे फियोना। आहा, हम सारे बलून से फियोना को लिफ्ट कर सकते हैं। जानता हूँ तुम्हें बलून्स अच्छे लगते हैं, पर फियोना को उनकी जरूरत है। हमें दे दो प्लीज। काम बन गया, काम बन गया। ओ, कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया। वो उड़कर दूर जा रही है। समझ गया। चलो चलो मैकेनिकल्स। बहुत अच्छे मैकेनिकल्स। देखो पार्टी के और मेहमान भी आ गए। आप सबके आने से खुशी हुई। बलून्स देने के लिए शुक्रिया ग्रीन, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। हुरे! हेलो दोस्तों, गेकोस गैरेज में आपका स्वागत है। आज का दिन एकदम शांत है, इसलिए हम गैरेज की सफाई कर रहे हैं। हाँ, ये अजीब सी आवाज कैसी है? अरे बॉबी द बस, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आ जाओ, देखते हैं तुम्हें क्या हुआ है। अरे बाप रे, बॉबी की तबीयत बहुत ही खराब है। चलो देखते हैं कि क्या किया जाए। शायद तुम्हारे रेडिएटर को पानी की जरूरत है। चलो जाओ मैकेनिकल्स। आओ, नहीं ये तो सही नहीं है। आओ, 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 आओ। एक मिनट रुको। आहा, बेचारे बॉबी का ऑयल लीक हो रहा है। ऑयल से इंजन बिल्कुल ठीक तरह से चलता है। हम इसे ठीक कर सकते हैं। हमें लीकेज की जगह पता चल गई है। तुम्हारे पाइप से ऑयल लीक हो रहा है। ग्रीन छेद को बंद कर देगा अच्छी तरह पाइप को वेल्ड करके, और प्लास्टर तुम्हारे आउची को साफ रखेगा। हुर्रे! वेल डन ब्लू, वेल डन ग्रीन। अब कैसा लग रहा है बॉबी? एक और हैप्पी कस्टमर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे गेकोस गैरेज में। बाय। ओ मैकेनिकल, देखो ये है ट्रक फैमिली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बहुत अच्छी नाव है बेबी ट्रक, जो तुमने बनाई है। ओ नहीं, एक टायर। ये बेबी की नाव की तरफ आ रहा है, देखो। थैंक्स मामा। अब हम इस टायर को रिसाइकल करते हैं। हे, देखो इतना कचरा। ये सारा कचरा ऊपर की तरफ से आ रहा है। चलो चलें। तुम यही रुको येलो, नाव की रक्षा करो। इतना ज्यादा कचरा, आखिर ये कौन कर रहा है? Thank you.
मिस्टर वीजल, ये क्या कर रहे हैं? गेको, मैं अपने सारे कचरे से पीछा छुड़ा रहा हूँ। इसके टायर फंस गए। तुम्हें नदी में कचरा नहीं डालना चाहिए मिस्टर वीजल। ओह नहीं, वो बेबी ट्रक और बोट की तरफ सीधा जा रहा है। आपको नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, यह नदी को गंदा कर देता है। आप बेबी ट्रक की बोट को लगभग बर्बाद करने वाले थे। एक बोट? मैं तब से बोट से नहीं खेला जब मैं छोटा वीजल था। मेरे पास एक आइडिया है, हम इस कचरे को रिसाइकल करते हैं, पुरानी चीजों से चमकदार नई चीजें बनाएं। मैं आपको दिखाता हूँ। पताका फहराओ, देखो यह अच्छा जहाज आ रहा है। वीजल की बोट आगे बढ़ो, ये बहुत मजेदार है। नदी एक बार फिर साफ हो गई है। दोबारा मिलते हैं, बाय। ये अच्छी खुशबू क्या है? जी हाँ, हर ग्राहक के लिए एक फ्री कबाब। इससे मुझे और ग्राहक जरूर मिलेंगे। तुम अंदर जाओ एरिक। जल्दी से पको। कुछ जल रहा है क्या? पता नहीं इसको अब क्या हो गया। नहीं, मेरी खूबसूरत बारबेक्यू। फियोना, फायर ट्रक, यहाँ आग लग गई है। ये आवाज कैसी? जल्दी से उस आग को बुझाते हैं। जाओ जाओ मैकेनिकल्स। बचाओ बचाओ, जल्दी करो। ये क्या किया? उफ, माफ करना, पाइप उतनी दूर नहीं पहुंचेगा। अच्छा आइडिया फियोना, आओ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। मैंने पकड़ लिया। शुक्र है सब सही सलामत है, सभी ने अच्छा काम किया। जल्दी मिलते हैं, बाय। फियोना फायर ट्रक, आखिर बात क्या है? तुम्हारी होस काम नहीं कर रही है, चलो देखते हैं। तुम फिक्र मत करो फियोना, हम तुम्हें जल्द ही ठीक कर देंगे। मैं अपना रिंच लेके आता हूँ। क्या? हम्म,
कम ऑन मैकेनिकल्स, मेरी मदद करो प्लीज। तुम ठीक तो हो ना येलो? खैर मुझे लगता है अब तुम ठीक हो गए हो। गेकोज़ गैरेज में आने के लिए धन्यवाद फियोना। बाय। थैंक्स रेड। आज बहुत ज्यादा गर्मी है। उधर देखो, बेबी और माँ पिकनिक के लिए जा रहे हैं, लेकिन बेबी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो बेबी ट्रक, आओ तुमको देखते हैं, पता लगाते हैं क्या गड़बड़ है। तो ये प्रॉब्लम है, तुम बहुत गर्म हो गए हो। मैकेनिकल जल्दी थोड़ा पानी लेकर आओ। ओहो, तुमने ठीक तरह से पानी नहीं पिया है ना बेबी? जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो हमें ढेर सारा पानी पीना चाहिए। अब बेहतर है, पर मेरे ख्याल से तुम अभी भी गर्म हो। आहा, समझ आ गया। कार वॉश के टेम्परेचर को बहुत ठंडा कर दो रेड। चलो अंदर जाओ बेबी ट्रक, अब ठंडा होने का समय है। अब सब ठीक है, अब तुम पिकनिक पर जा सकते हो। तुम्हारा समय अच्छा गुजरे। बाय। हेलो एवरीवन, मैं गेको हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज हमारे गैरेज में बेबी ट्रक पहली बार आ रहा है, इसलिए हम उसको आज एक स्पेशल गेको वेलकम देने वाले हैं। हेलो बेबी ट्रक, तुम घबरा क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, तुम सुरक्षित हाथों में हो, है ना मैकेनिकल्स? बेबी ट्रक रुको। ओहो, हमने बेबी ट्रक को डरा दिया। चिंता मत कीजिए मम्मी ट्रक, हम उसे ढूंढ लेंगे। जल्दी मैकेनिकल्स, हमें बेबी ट्रक को ढूंढना होगा। बेचारा बेबी ट्रक, पता नहीं वो कहाँ है। क्या तुम छुप रहे हो बेबी ट्रक? क्या तुम घबरा रहे हो? तुम्हें पता है, मैं भी, क्योंकि तुम्हारा गैरेज में पहला दिन है, इसलिए हम तुम्हारा ये दिन स्पेशल बनाना चाहते थे। आई एम सॉरी अगर तुम्हें डरा दिया, पर मेरा वादा है हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब तो ठीक है ना? गैराज अपने दरवाजे खोलो, बेबी ट्रक को हमारी मदद की जरूरत है।
तुम्हारा दिन अच्छा बीते बेबी ट्रक, तुम बहुत बहादुर हो। यू वेलकम बेबी ट्रक। गेको के गैरेज में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बाय। ब्लू, ब्लू तुम कहाँ हो? हेलो दोस्तों, आज हम बाहर काम कर रहे हैं क्योंकि फियोना की सीढ़ी फंस गई है और वो बहुत ऊंची है। ओह, हमें तुम्हारे टायर भी चेक करने होंगे फियोना। ओह ब्लू, क्या कोई कारजैक लेके आएगा प्लीज? बहुत अच्छे रेड, मैं रिंच लेके आता हूँ। बाउंसिंग बॉक्स। फिक्र मत करो रेड, हम तुम्हें नीचे उतार लेंगे। ग्रीन, येलो, एक चादर लेके आओ, मेरे पास एक आइडिया है। रेड, जब मैं कहूँ कूद जाओ तो कूद जाना, ठीक है? कूद जाओ। ओ, ब्लू, वक्त है तुम्हारा हीरो बनने का। तैयार हो ब्लू? 3, 2, 1, गो। डरो मत, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। फ्यू, तुमने अच्छा काम किया ब्लू। हुर्रे, ब्लू है हीरो। चलो सुपर मैकेनिकल, फियोना की सर्विस खत्म करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, बाय। हेलो दोस्तों, आज काफी बिजी दिन है। बेबी ट्रक और मैक्स द मॉन्स्टर ट्रक का टायर बदलना है, लेकिन मैक्स है कहाँ? ओह हेलो मैक्स, चलो चलो मैकेनिकल्स। येलो, नहीं, येलो का सर दीवार से लग गया। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है रेड और ब्लू। लगता है गड़बड़ हो गई। जल्दी आओ येलो। लगता है टायर्स की अदला बदली हो गई। कोई बात नहीं, गलतियां हम सबसे होती हैं। हमें बस टायर्स वापस लगाने हैं। ओ फिक्र मत करो मैक्स, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। यक। बेबी ट्रक, जानता हूँ तुम्हें मजा आ रहा है, लेकिन वो मैक्स के टायर्स हैं, तो हमें उन्हें वापस करना है। ओह, बहुत अच्छे बेबी ट्रक, बहुत जरूरी है चीजों को लेने के बाद उन्हें वापस करना। आपसे फिर मिलेंगे, बाय। तुमने सही कहा ग्रीन, वहाँ आग लगी है। ऐसा लग रहा है फियोना फायर ट्रक आ रही है। ओ नहीं, मम्मी और बेबी ट्रक साथ में रेसिंग कर रहे हैं और फियोना का सायरन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। ओ
फियोना, लगता है तुम्हें एक तेज आवाज वाला सायरन लगाना होगा। चलो मैकेनिकल्स, चलो फियोना का नया सायरन लगाते हैं। हाँ ऐसे ही, बस हमें एक अच्छी सी नी नौ आवाज चाहिए। काम हो गया, शुरू हो जाओ फियोना। ये तो ठीक नहीं है, ये तो डोरबेल की आवाज है। फिर से ट्राई करते हैं। अरे ये तो डायनासोर की आवाज है, हमें चाहिए नीनो। हाँ ये नीनो है, पर इसकी आवाज तेज होनी चाहिए। ट्रैफिक में हमें तेज आवाज चाहिए। येलो, सायरन की आवाज तेज करो ताकि वो सुनाई दे। अब आई ना नीनो की तेज आवाज। बाय फियोना, गेकोस गैरेज में आने के लिए शुक्रिया। हेलो दोस्तों, गेकोस गैरेज में आपका स्वागत है। आज हम बॉबी द बस का चेकअप कर रहे हैं, बस होने ही वाला है। रुको मैकेनिकल्स, मैं अभी भी बस के ऊपर हूँ। बॉबी, बॉबी, ओ डियर, वो मुझे सुन नहीं सकता। मैकेनिकल्स, जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकालो। वो देखो, सामने एक ब्रिज है। बॉबी तो बहुत तेज जा रहा है। अरे वो देखो, एक ऊंचा ब्रिज। यही सही वक्त है मैकेनिकल्स, अगर मैं इसे पकड़ सकूं। छूट गया, अब क्या करूं? ओ, बहुत अच्छे येलो, तुमने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बॉबी, तुम्हें मालूम नहीं था और किसी को चोट भी नहीं लगी। मदद के लिए शुक्रिया मैकेनिकल्स, मैं तुम्हारे बिना क्या करता। बाय। ये लो एरिक, अब तो ठीक है ना? ये क्या था? ओ, ये तो मैक्स द मॉन्स्टर ट्रक है, उसे यहाँ नहीं खेलना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की जगह सुरक्षित नहीं है। देखो मैक्स कितना नुकसान कर रहा है। नहीं, मैक्स का फ्यूल खत्म हो गया, हमें उसे निकालना होगा इससे पहले कि कंक्रीट सूख जाए। जाओ मैकेनिकल्स, जल्दी से पेट्रोल लेके आओ। ओह डियर, ये कंक्रीट तो बहुत जल्द सूखने वाला है। समझ नहीं आता अब हम ये पेट्रोल मैक्स तक कैसे पहुंचाएंगे। एरिक ने एक ब्रिज बना दिया।
कंक्रीट सूखने ही वाला है। चलो मैक्स चलो। लगता है मैक्स को उसका सबक मिल गया। थैंक्स एरिक, तुमने अच्छा काम किया। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय। गेकोज़ गैरेज में आपका स्वागत है। आज कितना सुहाना दिन है, इसलिए रेड छत पर जा रहा है। वो वहाँ जाकर हमारे नए सोलर पैनल की फिटिंग करेगा। ये सूरज की ऊर्जा को सोख लेंगे और इसे पूरे गैरेज के लिए बिजली में बदल देंगे। हेलो बॉबी। वाओ, ये तुम्हें क्या हुआ? बहुत गंदे दिख रहे हो। हमने तो कल ही तुम्हारी सफाई की थी। कोई बात नहीं, स्प्लिश स्प्लैश स्प्लॉश एक्टिवेट करो गेकोज़ कार वॉश। हो गई सफाई, अब तुम चलने के लिए तैयार हो बॉबी। ओ, तुम तो फिर से गंदे हो गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है तुम्हारी सफाई हाथों से करनी होगी। लो हो गए साफ। तुम अपने रूट पर जा सकते हो बॉबी। अच्छा, इसलिए तुम गंदे हो रहे हो। तुम्हारा पुराना पेट्रोल इंजन। क्या तुम्हें एक नया और साफ सुथरा इलेक्ट्रिक इंजन चाहिए बॉबी? हाँ, सोलर पैनल्स तैयार हैं? सोलर पैनल सूरज से ऊर्जा लेते हैं और बॉबी को चलने के लिए क्लीन पावर देते हैं। हुरे! तो आप सबसे फिर मिलेंगे दोस्तों गेकोज़ गैरेज में। ये तो मम्मी ट्रक और बेबी ट्रक है। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सुरंग ब्लॉक है और आप जा नहीं सकते। मैं एक बार देखता हूँ। ओह, सुरंग ढह गई है। यहाँ से भी ढह गई। हम तो अंदर फंस गए। फिक्र मत करो, मेरे पास मेरी टूल किट है। हमें इससे बड़ी टूलकिट चाहिए। इस चट्टान को तो टिली भी नहीं हटा पा रहा। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मालूम था आप में इतनी ताकत है। मम्मी ट्रक ने हमारी जान बचाई। मैं एरिक द एक्सकेवेटर से कह दूंगा कि वो ये सारे पत्थर हटा दे। और ज्यादा फन और एडवेंचर के लिए आपसे फिर मिलेंगे गेकोज़ गैरेज में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गेको।
आज का दिन बहुत ही सुहाना है, तो मैंने सोचा थोड़े पक्षियों को ही देख लूं। अरे देखो, वो दोनों जुड़वा भाई बैरी और कैरी। अरे नहीं, बैरी तालाब में गिर गया। जल्दी मैकेनिकल्स, हमें उसकी मदद करनी है। चलो चलो टिली ट्रो ट्रक। घबराओ मत बैरी, हम तुम्हें जल्दी वहां से निकाल लेंगे। ब्लू, चलो तुम्हें चेक करते हैं। अजीब बात है, तुम्हारा इंजन चल नहीं रहा। कैरी बैरी को खुश करने के लिए आया है, कितना प्यारा है। मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है। ये मछली जरूर बैरी के एग्जॉस्ट में फंस गई थी, इसलिए इसका इंजन नहीं चल रहा था। कितना अच्छा होता है जब आपके दोस्त आपसे मिलने आते हैं, इससे आप जल्द ही ठीक भी हो जाते हो। मछली भी अपने घर सुरक्षित पहुंच गई, उसके दोस्तों को चिंता हो रही होगी। खैर, अंत भला तो सब भला। आपसे फिर मुलाकात होगी, बाय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गेको और हम जा रहे हैं अपने घर। वो तो बेबी ट्रक है। क्या हुआ बेबी ट्रक, क्या तुम्हारा डमी खो गया? परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। चलो चलो मैकेनिकल्स। उन लाल फूलों के आसपास ढूंढो। तुम्हें कुछ दिखाई दिया? उन हरी झाड़ियों में देखो, क्या कुछ दिखाई दिया? वो जरूर यहीं कहीं होगा। I'm sorry, baby truck. मुझे तुम्हारा डमी कहीं दिख नहीं रहा। ब्लू, शाबाश, तुमने ढूंढ ही लिया। ये लो बेबी ट्रक। अंत भला तो सब भला। मदद के लिए शुक्रिया दोस्तों, बाय। गेको'स गैरेज में आपका स्वागत है दोस्तों। हम अभी अपना इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कोई मुसीबत में है। चलो चलो टिली टो ट्रक। ये तो एरिक द एक्सकेवेटर है। लगता है ये चट्टान से टकरा गया है। देखो, इसका कैटरपिलर ट्रैक टूट गया है। ओह ब्लू,
जानता हूँ तुम्हें तूफान से डर लगता है, पर तुम्हारी मदद चाहिए। तुम हमारे लिए बहादुर बनोगे? ओह, मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा और मैं बड़ा होने की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहा। हाँ? ओह ब्लू, हमें इसे जल्दी ठीक करना होगा। लगता है वो बांध टूटने वाला है। ब्लू इतना छोटा है कि उसके अंदर फिट हो सकता है। शाबाश ब्लू, तुम सच में बहुत बहादुर हो। ओ नहीं, ये बांध बस टूटने ही वाला है। जल्दी करो ब्लू। शाबाश ब्लू, तुमने अपने डर का सामना किया। और वो देखो, एक रेनबो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय। हेलो दोस्तों, एरिक द एक्सकेवेटर आया है सर्विस के लिए। हमें ये चेक करना है कि वो अपने खुदाई के काम के लिए फिट है या नहीं। कौन कौन मदद करेगा? तो मैं चूज करता हूँ येलो। मुझे पता है तुम्हें खेलना है, लेकिन गैरेज के काम में भी तुम्हें उतना ही मजा आने वाला है। सबसे पहले हम तुम्हारा इंजन चेक करेंगे एरिक। तो इंजन को जोर से चालू करो। तुम इससे बेहतर कर सकते हो एरिक। बढ़िया कैच येलो। वक्त है तुम्हारे कैटरपिलर ट्रैक को चेक करने का। ये सर्विसिंग का आखिरी हिस्सा है एरिक। देखते हैं तुम्हारे डिगर आर्म्स कैसे काम कर रहे हैं। इनको ऑयलिंग की जरूरत है येलो। बहुत अच्छे एरिक, तुम सर्विसिंग का टेस्ट पास कर गए हो और अब खोदने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तुम जाकर खेलोगे येलो। मैंने कहा था ना काम में मजा आएगा। आप सबसे फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार कामों के साथ यहाँ गेकोस गैरेज में। ओह हेलो दोस्तों, मैं और ब्लू बाहर जा रहे हैं गैरेज के लिए क्रिसमस ट्री लेने। ये तो बॉबी द बस है, वो फंस गया है। हॉट चॉकलेट से गर्माहट मिलेगी। चिंता मत करो बॉबी, हम तुम्हें जल्द ही बाहर निकाल लेंगे। कोई फायदा नहीं, हुक निकाल दो ब्लू। कोई और तरकीब देखते हैं। ओ नहीं, अब तो तिली भी बर्फ में फंस गया। ओ नो ब्लू, लगता है हम भी फंस गए हैं यहाँ। उदास मत हो ब्लू, कोई तो हमारी मदद करेगा। तब तक हमें ये हॉट चॉकलेट गर्म रखेगा। ओप्स, देखो हॉट चॉकलेट से ये बर्फ पिघल गई। मेरे पास एक आइडिया है। ही ये काम आया। वही रुको बॉबी,
यो वेलकम बॉबी। लेकिन अब हम इस गिरे हुए पेड़ का क्या करें? आहा, परफेक्ट। मैरी क्रिसमस दोस्तों। ओह हेलो दोस्तों, विकीदा आइसक्रीम ट्रक यहाँ रिपेयरिंग के लिए आई है। हमारा काम बस खत्म ही होने वाला है। थैंक्स येलो। क्या तुम स्क्रू ड्राइवर ला सकते हो? ध्यान से मैकेनिकल्स, उस पाइप के अंदर बर्फीली हवा है, इससे विकी अपनी आइसक्रीम फ्रीज करती है। येलो, उस बटन को मत छूना। थैंक्स मैकेनिकल्स, तुमने मुझे बचा लिया। चलो अब चल के विक्की को ठीक करते हैं। शुक्रिया विक्की, बाय दोस्तों। बहुत अच्छे मैकेनिकल्स, गैरेज को अच्छे से साफ और चमका देते हैं। लगता है कोई कस्टमर आया है। ये तो ट्रक फैमिली है, मम्मी ट्रक, मम्मी रिसाइकल और बेबी ट्रक, जो शायद थोड़ा परेशान है, हिलता हुआ दांत। इसमें घबराने की कोई बात नहीं बेबी ट्रक, इसके निकलने के बाद तुम इसे अपने सिरहाने रख देना और तुम्हें मिलेगा एक सोने का सिक्का। ओ नहीं, छींक आने से बेबी ट्रक का दांत निकल गया। ओ फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो चलो मैकेनिकल्स। ओ यक, सॉरी ग्रीन, ये तो दांत नहीं है। ध्यान से येलो। ओह, हमने सारा गैरेज ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी बेबी ट्रक के दांत का कुछ पता नहीं चला। जरा एक मिनट रुको, हमने एक जगह पर अभी नहीं ढूंढा है, ब्लू के डस्टर के अंदर। हाँ, ये लो बेबी ट्रक, अब घर जाओ और इसे तकिए के सराहने रख लो, और हम आपसे मिलेंगे और भी नए एडवेंचर्स के साथ गेकोस गैरेज में। बाय। आचू।